सो गाइज, आज मैं जो मैजिकल रेमेडी लेकर आई हूँ ये 100% काम करता है। आप इसे वीक में 2 से 3 बार अपने 4 मंथ प्लस बेबीज के ऊपर, किड्स पर या खुद पर भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस रेमेडी को बनाते कैसे हैं। इस मैजिकल रेमेडी को बनाना बहुत ही आसान है, करना कुछ नहीं है, कोई तामझाम नहीं है। बस आपको 2 चम्मच बेसन लेना है और साथ ही आपको लेना है 1/2 टीस्पून पतंजलि हनी। मैंने यहाँ पे लिया है तो आपको शहद लेना है 1/2 टीस्पून और अब मैं लेने वाली हूँ यहाँ पे फ्रेश मलाई। तो इस फ्रेश मलाई को मैंने दूध से निकाल के बाद इसको चम्मच से ही मैश कर दिया है और यहाँ पे 2 चम्मच मैं लूंगी इस रेमेडी में। उसके बाद इन तीनों चीजों को मैं बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लूंगी ताकि एक स्मूथ पैक बनकर रेडी हो जाए। इस पैक को आप अपने बच्चों के फेस पर, हाथों पर, पैरों पर, उनके पूरे बॉडी पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपको 2 से 3 मिनट आपको अच्छे से मसाज करना है ताकि जो इंग्रेडिएंट है इस पैक में वो अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो सके, उसके बेनिफिट्स आपको मिल सके। उसके बाद आपको 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देना है सूखने के लिए, ड्राई होने के लिए। उसके बाद आपको वार्म वाटर से आपको क्लीन कर लेना है। तो यहाँ पर मैं अपने हाथों पर इसे अप्लाई करके दिखा रही हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी मैंने अपने हाथों पर ले लिया है। उसके बाद मैं इसे अच्छे से मसाज करूँगी, 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मसाज करूँगी। उसके बाद ड्राई होने के लिए इसको छोड़ दूंगी 10 मिनट के लिए। उसके बाद मैं गर्म पानी लूंगी, उसमें टॉवल डालूंगी और अच्छे से इसे क्लीन कर लूंगी। आप चाहे तो आप बेबी को इसके बाद बाथ भी दे सकते हैं। सो फ्रेंड, ये जो पैक होता है ये बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ होता है, तो इससे आपकी बेबी के फेस को, उनके बॉडी को बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचेगा और इससे आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि 10 मिनट के लिए इसे मैंने अप्लाई करके रखा था तो ये ड्राई हो गया है और आप दोनों हाथों में अंतर भी देख लीजिए। और फिर चलिए अपने हाथों को वॉश करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देख सकते हो फ्रेंड्स कि यहाँ पर मैंने अपने हाथों को वॉश कर लिया है और आप देख सकते हो कि एक बार यूज करने के बाद ही जो मेरा डिफरेंस है हाथों के कम्प्लेक्शन में वो कितना ज्यादा है और बिल्कुल एकदम मैजिकल रेमेडी है ये, आप कह सकते हो 100% इफेक्टिव है। आप इसे जरूर से जरूर ट्राई करना। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने एक हैंकी की हेल्प से इसे क्लीन कर लिया अच्छे से। अगर ठंडे का वेदर चल रहा है तो आप बच्चे को गुनगुने पानी से आप क्लीन कर सकते हो या बच्चे को गुनगुने पानी से आप बाथ भी दे सकते हो। तो यहाँ पर से मैंने इसे क्लीन कर लिया और अब आप देखिए कि इसका जो ग्लो है, इसका जो सॉफ्टनेस है मेरे हाथों का, वो कितना ज्यादा बढ़ गया है। तो है ना ये बहुत ही आसान और 100% रिजल्ट, 100% वर्दी वाला रेमेडी। इसे आप वीक में 2 से 3 बार यूज करें, इससे आपकी बेबी की स्किन सॉफ्ट, ग्लोइंग, हेल्दी और ब्राइट हो जाएगी और साथ ही कम्प्लेक्शन में इंप्रूवमेंट भी होगा। और इससे पैक को अप्लाई करने के बाद, बच्चे को बाथ देने के बाद, आप बच्चे के फेस पर फेस मॉइस्चराइजर और बॉडी पर बॉडी लोशन को लगाना बिल्कुल ना भूले। सो गाइज, तो ये थी आज की मेरी वीडियो। आपको कैसी लगी आज की वीडियो आप प्लीज़ कमेंट करके बताना। और अगर आपको कोई वीडियो देखनी है, किसी प्रोडक्ट की रिव्यू देखनी है, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे भेज सकते हैं। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करके जाना। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।